थोड़ा सिमी का किरदार बदलता जा रहा है. कुछ नहीं, मैंने खुद ने डिज़ाइन किया है, सिंपल सा ड्रेस है, उस पर ये केप थोड़ा सा आजकल फैशन में है, तो वो डिज़ाइन करने की कोशिश. उतना ही एक्साइटमेंट है जितना पहले साल में था. पहले साल में जितने एंथुसियाज्म के साथ आए थे, तीसरा साल है, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत सारे लोग नॉमिनेटेड हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इवेंट. हाँ, शो के हिसाब से तो बहुत दिन बाद मिलने वाले हैं, तो हम सब यहीं पर चेयर करने आए हैं. मतलब वो दोनों परफॉर्म करेंगे और हम लोग मस्ती करेंगे. थैंक यू. हेलो. अकेले जाओगे नहीं, वरना आपको जाने नहीं देंगे. और मुझे आना था क्योंकि आई थैंक रियली स्टार प्लस एंड स्टार परिवार ग्रुप फॉर नॉमिनेटिंग मी एक नया सदस्य. नया तो एग्जैक्टली नहीं हूँ, क्योंकि नया हूँ भी, क्योंकि 11 साल बाद फिर से स्टार प्लस पे आ रहा हूँ. और 11 साल पहले मेरा एक शो था, देश में निकला हुआ चांद, तभी मैं आया था स्टार परिवार अवार्ड्स में. 11 साल बाद आ रहा हूँ. इट फील्स गुड, फैंटास्टिक टू बी बैक ऑन स्टार परिवार एंड स्टार प्लस एंड वर्किंग विद स्टार प्लस टीम. वेरी वेरी क्रिएटिव पीपल एंड दे मेक गुड शोज. आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक ऑन स्टार प्लस. वो किरदार एक्चुअली वो कुछ और है, कोई और. एक्चुअली मैं ये हूँ धर्म सूर्यवंशी. मैंने रोल इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि उसका लुक ही अलग है. सबसे पहले वो लुक, जो कभी भी एक्टर जब स्क्रीन पे आता है तो पहले आप देखते हो, अगर वो मूवी खोले उसके पहले उसका लुक होता है. तो लुक वॉज वेरी डिफरेंट. धोती और कुर्ता और कान में बाली, गले में लॉकेट और मूछ वूछ लगा के थोड़ा नेगेटिव रोल था. फिर हार्ड कोर नेगेटिव हुआ, फिर रोमांटिक हुआ, फिर एकदम प्यार में पागल हो गया. तो एक बहुत ही एक रेंज है. मतलब आई थिंक 6 साल के साथिया के एक सफ़र में एक धर्म सूर्यवंशी का जो कैरेक्टर है वो इज़ द मोस्ट कलरफुल. और मेरा जो ग्राफ है एज ए रोल बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफ है. पूरा राउंड सर्कल है मेरे कैरेक्टर के ग्राफ का. आई थिंक नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव एंड रोमांटिक हीरो. सो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक रोल, वंस इन अ लाइफ टाइम रोल फॉर मी. और करने में बहुत मज़ा आ रहा है. वेरी गुड. आई थिंक गोपी और तानिया और आई थिंक दे आर वेरी गुड डांसर्स. मेरा बेटा जो श्रवण है वो भी होस्ट कर रहा है एक पोर्शन. आई थिंक इट्स फैंटास्टिक टू सी देम हाउ दे डू दिस काइंड ऑफ अ जॉब. सो इट्स नाइस. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अवार्ड्स. मेरे पर्सनल पर मेरे दो बच्चे हैं. लाइक माई टू आईज, यू नो, यू लव बोथ, यू नो. सो आई They are my life, they are my everything for me. I think I'm closest to them. And then my wife, she comes next. Okay, so that goes that way. Thank you, thank you. You have to pose here also. Bolna abhi tu bol. You wanna go in? Well, स्टार परिवार, हाँ, हम इस परिवार से जुड़े हैं और दुनिया भर में लोग स्टार को देखते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं कि आज आई एम श्योर जितने भी परफॉर्मर्स हैं एकदम रेडी होंगे रिहर्सल्स के साथ. तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू नाइट. मज़ा आएगा. मैम, मतलब यार, मतलब ऑब्वियसली इस येलो में हम मतलब पूरा रंग गए हैं पूरी तरह से इस रंग में. व्हाट शुड आई से, बहुत सुंदर है. And मैं इनके साथ खड़ा हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है इस टाइम पे. नहीं, बट इस परिवार का हिस्सा बनाऊँ मैं पहली बार. मानसी तो ऑब्वियसली पहले कर चुकी हैं बहुत कुछ. सो ये दिस इज रियली अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड दिस इज रियली ग्रेट. इट फील्स गुड टू बी नॉमिनेटेड एंड कम हियर.
बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बिकॉज आई थिंक इट बहुत ही स्पेशल शो था और बहुत ही स्पेशल तरीके से शूट किया गया था, बहुत स्पेशल तरीके से क्रिएट किया गया था ये शो. सो वी रियली मिस इट एंड वी वर्कड सो हार्ड फॉर इट फॉर 11 मंथ्स एंड वी वर लाइक 75 एपिसोड्स डाउन when and, it came on air and we still get the love from the people yeah. who watched it, you know, people still tweet us saying ki kyun kaise kab wapas aayega, facebook messages aate hain logo ke, we met people outside also and people keep saying when is it coming back. So I think as creators and as artists, that's a very good wicket to be on. Yeah. And we just hope that it comes back and we come back to entertain you. Season 2. अंदर जाके तो पहले हम सतीश जी को मिलेंगे. सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू मीट सतीश जी, सतीश कौशिक जी. एंड या द होल टीम इज गोना बी देयर. या आई थिंक दैट इज गोना बी गुड. आई थिंक द एक्साइटमेंट फॉर अस इज आल्सो दैट के बिकॉज़ द शो इज नॉट ऑन एयर राइट नाउ एंड वी विल बी मीटिंग द होल टीम. आई थिंक we'll be meeting the producers and we'll be meeting the creators from the channel as well. Yeah. So I think that is to get in touch with that family of yours is I think is more exciting. I'm close to my mom. Absolutely. I would also say the same thing. I'm very close to my mom. In fact, हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आप लकीली वी हैव हॉट स्टार राइट नाउ. सो सुमित संभालेगा कि जो भी जितने भी एपिसोड्स हैं वो आप उसके रीरन्स चल सकते हैं आपके लिए. लेकिन इंशाल्लाह कीप वांटिंग अस मोर तो हम विल जस्ट कम बैक विद अ बैंग. इफ यू प्रे रियली हार्ड वी विल कम बैक. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. एक्साइटमेंट तो बहुत सारी है क्योंकि आप सबको देख रहा हूँ मैं. सबसे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि जैसे कि नाम है परिवार तो व्यूअर्स के साथ भी हमारा एक पारिवारिक संबंध हो जाता है कि रेगुलरली स्टार प्लस देखते रहते हैं और सारे शोज़ को इतने पसंद करते हैं और अभी हॉटस्टार भी देखने लगे हैं. तो यही मेरा उनसे कहना है कि हमारे शोज़ देखते रहें और हमें इस तरह से प्रोत्साहित और प्यार देते रहें. बिल्कुल ये इंडो वेस्टर्न लुक है क्योंकि परिवार अवार्ड है तो कुछ नया होना चाहिए. तो संध्या बीनी ने हमारे को तैयार किया है और साथ में हमारी मुस्टंडी ना आरजू बीनी ने भी तैयार किया है. थोड़े बाल इधर उधर बिखर रहे हैं, नो माइंड. मीना बीनी ने थोड़ी अंग्रेजी सिखा दी है, कोई बात नहीं. देखो बढ़िया है, पल्लू संभल को नहीं रहा है. अब बाबा साहब देखेंगे, मतलब सूरज के बाबा साहब, तो वो घायल ही हो जाएंगे. हाँ देख लो, बढ़िया है एकदम, नहीं रहता है, चलता है ज़िंदगी में. बट मैं परिवार अवार्ड में आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत 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 बोलते हैं ना, इंतज़ार रहता है कि कब ये परिवार अवार्ड आए और सब परिवार से मिलना हो, मिलने का मौका मिले. तो इसलिए सज धज कर आए हैं और खूब मजाक करेंगे. परिवार में सबसे पुराने सदस्य है तो आशीर्वाद देंगे और मौज मस्ती भी करेंगे. थोड़ी सी छूट मिल जाती है ना, क्योंकि जब नए नए रहते हैं तो थोड़ी सी शर्म रहती है, थोड़ी झिझक रहती है. अब तो पुराने हो गए तो अब तो डांस पार्टी नहीं. अवार्ड में आए हैं, ऐसे ही रहेंगे. चलती हूँ. रे मारा राम जी.